वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। पंजाब के किरतपुर शहर में बाला प्रीतम नामक एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर सिखों का आठवां गुरु कहलाया। एक ऐसा बालक जो केवल 5 वर्ष की उम्र में गुरु नानक देव जी की पवित्र गद्दी का वारिस बना और जिसने केवल 3 सालों की अवधि में गुरु गद्दी पर विराजमान होकर जिस निडरता और सूझबूझ से सिख जत्थेबंदी को मजबूत किया उसे देखकर सिख धर्म के वैरी और मुगल हुकूमत चकित रह गई। 8 वर्ष की आयु में अपनी जोत 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के अंदर टिका कर वे अकाल चलाना कर गए। आप समझ ही गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मीठे स्वभाव के हंसमुख और दीन दुखियों की पीड़ा को हर लेने वाले धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी की। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को पंजाब के कीरतपुर शहर में 7वें गुरु श्री हर राय जी और माता कृष्ण कौर जी के घर में हुआ। आजकल आप जी की याद में वहां गुरुद्वारा शीश महल स्थापित है। बाबा राम राय जी आप जी के बड़े भाई थे जो कि आपसे 9 साल बड़े थे और आपकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम रूप कौर था, वह भी आपसे 4 साल बड़ी थी। एक बार की बात है, बाबा राम राय जी और बालक हरकृष्ण जी प्रभु सिमरन में ध्यान मग्न थे। तब गुरु पिता हर राय जी ने दोनों साहिबजादों की परख करनी चाही कि दोनों में से कौन पूरी तरह से गुरबानी के साथ अभेद होकर सिमरन कर रहा है। उन्होंने अपने एक सिख को एक सुई देकर भेजा और कहा कि वे दोनों साहिबजादों को बारी बारी सुई चुभो कर देखे कि उस सुई के चुभने से किसका ध्यान भंग होता है। जब उस सिख ने बाबा राम राय जी को सुई चुभोई तो उन्होंने पीड़ा महसूस करते हुए सी की आवाज निकाली और सिमरन से ध्यान हटाकर आंखें खोल ली। परंतु जब वही सुई बालक हरकृष्ण जी को चुभोई गई तो वे स्थिर अवस्था में बैठे रहे। गुरु पिता हर राय जी यह भी देखते थे कि किरतपुर आने वाली संगतों का जितना ध्यान बालक हरकृष्ण जी रखते हैं उतना ध्यान उनके बड़े पुत्र नहीं रखते। बचपन से ही गुरु हरकृष्ण जी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। कहा जाता है कि आप जी की याद शक्ति इतनी तेज थी कि 4 साल की उम्र होने पर आप जी को नितनेम की सारी बाणियां और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनेक शब्द मुंह जुबानी याद हो चुके थे। जब आपके पिताजी श्री गुरु हर राय जी संतों को उपदेश दिया करते आप हमेशा गुरु पिता के साथ बैठकर उनके विचार ध्यान से सुनते और याद कर लेते। सुबह होने पर गुरु हर राय जी अपने दवा खाने में जाकर रोगियों का इलाज करते होते तो बालक हरकृष्ण जी भी रोगियों की सेवा में लग जाते और गुरु पिताजी के काम में मदद किया करते। कई बार रोगी बालक हरकृष्ण जी के कोमल हाथों की छू पाकर और उनके मीठे वचन सुनकर ही रोग मुक्त हो जाते। यह भी कहा जाता है कि आप कई कई घंटे प्रभु सिमरन में जुड़े रहते थे और अपना ध्यान निरंकार के चरणों में जोड़ लिया करते। कहा जाता है कि उन दिनों मुगल राजा औरंगजेब का शासन था। वह मुगल राजा कानों का बहुत कच्चा था, चापलूसों और चुगलखोरों की हर बात को बिना सोचे समझे मान लिया करता और उसे तुरंत लागू कर देता। ऐसी ही खबर उसे हर राय जी के बारे में मिली कि लाखों की तादाद में संगतें गुरु जी के साथ जुड़ती जा रही हैं। उनकी इतनी महानता सुनकर उसने अपने सेवकों को किरतपुर भेजकर गुरु हर राय जी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। यह बात 1661 ईस्वी के शुरुआती समय की है। तब औरंगजेब के बुलाने पर गुरु हर राय जी आप तो दिल्ली नहीं गए बल्कि अपने बड़े पुत्र बाबा राम राय जी को दिल्ली जाने का आदेश दे दिया और समझाया कि पुत्र बादशाह औरंगजेब कोई भी तुमसे सवाल करे तो उससे डरना नहीं बल्कि
सूझबूझ और निडरता से ही जवाब देना। अगर तुम्हें कोई करामात दिखाने को कहे तो साफ साफ इनकार कर देना। निरंकार तुम्हारे हर पल साथ है। कहते हैं बाबा राम राय के दिल्ली पहुंचने पर उनकी बहुत मेहमान नवाजी की गई और फिर बहुत सारे विषयों पर बादशाह के साथ चर्चा हुई। राम राय बहुत समझदार होने के बावजूद भी औरंगजेब की बातों में आ गए और बादशाह को खुश करने के लिए सब कुछ करने लगे जो कि गुरु पिता हर राय जी ने करने से मना किया था। इसके अलावा सबसे निंदनीय बात तब हुई जब गुरु नानक देव जी की बाणी की एक तुक मिट्टी मुसलमान की को मिट्टी बेईमान की कह के औरंगजेब की तसल्ली करवानी चाही और कहा कि लिखने वाले ने गलती से मिट्टी बेईमान की जगह मिट्टी मुसलमान की लिख दिया होगा। कहते हैं जब अंतर्यामी गुरु पिता हर राय जी को पता चला कि केवल बादशाह को खुश करने के लिए उनके साहिबजादे राम राय ने गुरु नानक देव जी की बाणी की तुक को बदलने का जरा सा भी संकोच नहीं किया, तब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि जो इंसान झूठी प्राप्ति और लालच के लिए अपने सिद्धांतों, मूल्यों और निरंकार से आई बाणी को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है, वो गुरु नानक देव जी की गद्दी का अधिकारी कैसे बन सकता है। उन्होंने उस समय अपने सिख सेवकों के हाथ दिल्ली में साहिबजादे राम राय को खबर भेज दी कि अब से उनके माथे लगने की जरूरत नहीं है, भाव ना दर्शन करे ना ही अपना मुख दिखाए, मुगलों तुर्कों से माया प्राप्त करके ही खुश रहे। यह कितनी आदर्श मिसाल है कि गुरु हर राय जी ने गुरबानी के सत्कार और विश्वास को सदा बनाए रखने के लिए अपने बड़े पुत्र का त्याग कर दिया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले गुरु जी को कितने पारिवारिक तनाव और खींचतान से गुजरना पड़ा होगा, इस बात का अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। परंतु इतना बड़ा त्याग और कुर्बानी करके गुरु हर राय जी ने आने वाली सदियां ही नहीं बल्कि अनंत काल के लिए गुरबानी के स्वरूप को प्रदूषित होने से हमेशा के लिए बचा लिया, यानी उसकी पवित्रता बनाए रखी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हर राय जी के ज्योति जोत समाने से कुछ दिन पहले 5 पैसे और नारियल मंगवाकर बाला प्रीतम यानी गुरु हरकृष्ण जी के आगे रखकर गुरु हर राय जी ने उनको माथा टेका और अपनी ज्योत उनके अंदर टिका दी। उन्होंने अपने संतों को आदेश दिया कि अब से गुरु हरकृष्ण जी को हमारा रूप समझकर मानना और इनकी आज्ञा में रहना। सन 1661 में गुरु हरकृष्ण जी को सिखों का 8वां गुरु घोषित करके 31 वर्षीय गुरु हर राय जी शरीर त्याग कर सचखंड चले गए। उस समय उनके पुत्र हरकृष्ण जी की आयु मात्र 5 साल 2 महीने और 16 दिन थी। इतनी छोटी आयु के साहिबजादे ने सारी संतों को वचन किया, गुरु पिता के अकाल चलाना करने पर कोई शोक न मनाए बल्कि गुरबानी के पाठ और शब्द कीर्तन किए जाएं। गुरु हर राय जी के ज्योति जोत समाने के 14 दिन बाद किरतपुर साहिब में संगतें दूर दूर के शहरों से गुरु जी के दर्शन के लिए पहुंची। श्री हर कृष्ण जी को सारी संगतों ने गुरुगद्दी के आसन पर बिठाकर दस्तार बंदी की, आप जी के आगे भेंटे अर्पण की गई और नमस्कार करके अपना 8वां गुरु स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी हर रोज सवेरे अमृत समय उठकर स्नान किया करते, नित नेम का पाठ करके सिमरन में लीन हो जाते, फिर गुरु दरबार पहुंचकर संतों को दर्शन देते। गुरु हरकृष्ण जी का उपदेश करने का ढंग इतना प्रभावशाली होता था कि उनके मुख से वचन सुनकर संगते हैरान हो जाती। दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आप जी अपने पिता हर राय जी द्वारा स्थापित किए गए दवाखाने में जाया करते, जहां गुरु जी द्वारा नियुक्त किए गए बड़े सियाने और तजुर्बेकार हकीम इलाज के लिए रखे गए थे।
दवा दारू के साथ साथ गुरुजी के कोमल हाथों की छू और उनकी मेहर भरी नज़र में ऐसी कृपा होती थी कि जो रोगी पहली बार दवाई लेकर जाता उसका सदा के लिए रोग दूर हो जाता। और इस तरह वे गुरुजी के मुरीद बनते गए। आप जी फिर प्रसादा ग्रहण करके थोड़ा आराम करने के उपरांत शाम को दोबारा दरबार में हाजिर होकर संतों को दर्शन दिया करते, अपने सेवकों द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार करते और उनके फैसले किया करते। वैसे देखा जाए तो गुरु हरकृष्ण जी का समय सिख इतिहास के लिए गंभीर चुनौतियों से भरा था। जैसे कि आप जी का बड़ा भाई राम राय गुरुगद्दी ना मिलने के कारण आप जी से बहुत नाराज था। किसी भी तरह वह गुरुगद्दी हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने लगा। उसके आगे में चलने वाली अहंकारी और स्वार्थी मसंद गुरु हर राय जी के फैसले से खुश नहीं थे। वे तो केवल बाबा राम राय जी को गुरु बनाकर गुरु घर को लूटने और बर्बाद करने पर तुले थे। बाबा राम राय जी ने अपने मसंदों को आदेश दिया कि वो जगह जगह जाकर सिख संतों को कहें कि असली गुरु तो राम राय है, ना कि गुरु हरकृष्ण। और इसके साथ ही यह भी कहा कि संगतें जो चढ़ावा देती हैं वह सारा किरतपुर से दिल्ली पहुंचा दिया जाए। कहा जाता है तब बाबा राम राय ने अपने हक के लिए औरंगजेब से मदद लेनी चाहिए, जो पहले से ही यह जानना चाहता था कि बाल गुरु हरकृष्ण जी में ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके कारण उसके पिता ने अपने बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को गद्दी का वारिस बना दिया। वैसे भी वह यही चाहता था कि अगर राम राय जैसा बंदा सिखों का गुरु बन जाए तो वह हमेशा के लिए औरंगजेब की जी हजूरी करता रहेगा। इसके अलावा उसको पंजाब में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए सही अवसर मिल जाएगा। देखा जाए तो बाल गुरु हरकृष्ण जी ने अपने कार्यकाल में जिस असाधारण योग्यता और समझदारी के साथ सभी चुनौतियों का मुकाबला किया, उन्होंने तो सारे संसार को ही हैरान करके रख दिया। आखिर बाबा राम राय के कहने पर औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण जी को दिल्ली बुलाने का निमंत्रण भेजा। दिल्ली लाने की जिम्मेदारी राजा जय सिंह को सौंप दी, जो कि पहले से ही गुरु घर का श्रद्धालु था। राजा जय सिंह औरंगजेब के कपटी और चलाक स्वभाव से वाकिफ था, इसलिए उसने बादशाह के साथ एक समझौता किया कि गुरु हरकृष्ण जी के दिल्ली पहुंचने पर राजा जय सिंह के महल में ही गुरुजी मेहमान बनकर रुकेंगे, दूसरा गुरु जी को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। बादशाह के साथ राजा ने इन सभी बातों की तसल्ली करके ही अपना विशेष दूत परसराम को किरतपुर से गुरु जी को सम्मान सहित लाने के लिए भेज दिया। गुरु जी के दिल्ली जाने को लेकर सारा परिवार और संगत काफी चिंतित हो गई, क्योंकि इतिहास में देखा जाए इससे पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर बुलाया था और उन्हें कड़ी यातनाएं देकर शहीद कर दिया, और दूसरी बार कपटी मुगल शासक जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिल्ली बुलाकर धोखे से ग्वालियर के किले में कैद करवाने के लिए भेज दिया था। परंतु गुरु हरकृष्ण जी ने अपने परिवार को बड़ी निडरता और हौसले के साथ अपना फैसला सुनाया कि वे दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि निरंकार उनके अंगसंग सहाय है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। राजा जय सिंह के दूत परसराम ने भी गुरुजी व उनके परिवार को यकीन दिलाया कि गुरुजी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कहते हैं तब गुरुजी फरवरी 1664 ईस्वी में किरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनके परिवार की माताएं, सिख संगतें और सैनिक जवान भी थे, जो कि गुरु पिता हर राय जी की सेना में रह चुके थे। किरतपुर से चलकर आप जी दयालपुर अपनी बहन रूप गौर जी से भी मिले। अंतर्यामी गुरु हरकृष्ण जी जानते थे कि यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर है। बहन रूप कौर भी काफी मायूस थी। तब दिल्ली जाते समय आप जी अंबाला से आगे एक गांव पंजोखरे में ठहरे।
वहां पहुंचकर आप जी ने एक लकीर खींच दी और संतों को आदेश दिया कि कुछ संतों को छोड़ के बाकी सारे अपने घरों को लौट जाएं। वे इतनी बड़ी संख्या में संतों को दिल्ली ले जाकर बादशाह के मन में कोई शंका पैदा नहीं करना चाहते थे। कहते हैं तब गुरु जी के साथ एक विशेष घटना घटी। लोगों को आप जी की छोटी उम्र देखकर शंका हुई कि आप जी के पास कौन सा रब्बी ज्ञान है जिस कारण आप गुरु पदवी के लिए चुने गए। उस गांव में लालचंद नाम का एक पंडित था जो अनेक धर्म ग्रंथों का ज्ञाता और संस्कृत का एक बड़ा विद्वान था। उसने गुरु जी को चुनौती दे डाली कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता उच्चारण की थी, आप जी का नाम भी हर कृष्ण है, तो आप गीता के कुछ श्लोकों के अर्थ ही करके दिखा दो। इतना सुनकर गुरु हर कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए तो हमारी संगत में से किसी भी व्यक्ति को आगे ले आओ, गीता का सार तो आपको वह भी सुना देगा। पंडित ने गुरु जी की इस बात को परखने के लिए झज्जू छीवर जो गूंगा और बहरा था उसको अपने गांव से ढूंढकर गुरु जी के आगे पेश कर दिया। तब गुरु जी ने अपनी कृपा का हाथ और अपनी छड़ी उस छीवर के सिर पर रखते हुए कहा, इस पंडित के मन में कुछ शंका है, इनको गीता के श्लोकों के अर्थ करके इनके मन की दुविधा दूर कर दो। कहते हैं जैसे ही गुरु जी की मेहर भरी नजर झीवर पर पड़ी, वह गूंगा बहरा झज्जू झीवर धर्म चर्चा और ज्ञान की बातें करने लग पड़ा जैसे वह बहुत बड़ा विद्वान हो। जब उसने बहुत कठिन श्लोकों के अर्थ करके सुनाए तो पंडित लालचंद हैरान ही रह गया और अहंकार से भरे सिर को गुरु चरणों में झुका दिया। तब गुरु जी ने पंडित और झज्जू छीवर को उस इलाके में सिक्खी का प्रचारक नियुक्त कर दिया। पंजोखरे के जिस स्थान में गुरु जी ठहरे थे वहां आजकल बहुत ही सुंदर श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा स्थापित है जो कि अंबाले के पास ही है। कहते हैं गुरु जी ने उस स्थान पर संतों को तब वचन किया था कि जो मनुष्य यहाँ स्नान करके सच्चे मन से गुरु चरणों में शीश झुकाएगा उसकी हर इच्छा तो पूरी होगी ही, और अगर कोई गूंगा बहरा है वह भी ठीक हो जाएगा। गुरु जी के प्रकाश उत्सव पर हर साल वहाँ भारी जोड़ मेला लगता है। जब पंजोखरे से गुरु जी दिल्ली की ओर निकले तब उनके साथ माता कृष्ण कौर जी, भाई दरगामल, भाई दयालदास और भाई गुरुदत्ता जी से लेकर कुछ खास सिख शामिल थे। गुरु जी फिर कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल आदि स्थानों पर ठहरते और सिखी का प्रचार करते हुए एक हफ्ते तक वे दिल्ली राजा जयसिंह के महल जा पहुंचे। तब राजा ने गुरु जी का अतिथि सत्कार किया। गुरु जी को चांदी के थाल में बेश कीमती सौगातें भेंट की जिसको गुरु जी ने उसी पल गरीब और जरूरतमंदों में बांट दिया। आप जी की छोटी आयु देखकर जिस प्रकार दूसरों के मन में शंका पैदा हुई उसी प्रकार राजा जयसिंह की रानी के मन में भी यही विचार आया कि गुरु जी की परख करनी चाहिए। इतिहास में दर्ज है तब रानी दासियों का वेश धारण करके दूसरी दासियों के बीच जा बैठी और मन में निश्चय कर लिया कि अगर गुरु हरकृष्ण जी सच्चे गुरु हैं तो वे रानी को पहचान कर उसकी गोद में बैठ जाएंगी। अंतर्यामी गुरु जी जब रानी के महल में दाखिल हुए तब सारी दासियां आप जी के चरणों पर माथा टेक कर बैठ गई। गुरु जी ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी बारी बारी से हर दासी के सिर पर रख कर कहा, यह भी रानी नहीं, यह भी रानी नहीं। परंतु जब रानी की बारी आई तो उन्होंने सिर पर छड़ी रखते ही कहा, ये रानी है, और रानी की गोद में जाकर बैठ गई। उस समय रानी को कैसा अद्भुत सुख का अनुभव हुआ होगा जिसकी गोद में आप स्वयं निरंकार रूप श्री हरकृष्ण जी आ बैठे हों।
इसके अलावा तब गुरुजी के दिल्ली पहुंचने की खबर राजा जयसिंह ने औरंगजेब को पहुंचा दी। कहते हैं तब औरंगजेब ने अपने शहजादे आजम को राजा जयसिंह के महल गुरुजी के दर्शनों के लिए भेजा। शहजादे ने बादशाह औरंगजेब की ओर से गुरुजी को बेंटे अर्पण करके माथा टेका और प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, बादशाह आप जी के दर्शन करना चाहता है। गुरुजी ने कहा, हमारा प्रण है कि हम किसी बादशाह के माथे नहीं लगेंगे। शहजादा गुरुजी से मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारी बात बादशाह को जाकर बताई कि गुरुजी चाहे उम्र से बच्चे हैं, परंतु उनकी सूझबूझ तो बूढ़ों जैसी है। कहा जाता है तब दिल्ली में उन दिनों हैजा महामारी फैली हुई थी। गुरुजी के दिल्ली पहुंचने की खबर जब लोगों तक पहुंची तो बहुत से रोगी आप जी के पास आने लगे। गुरुजी जिस भी रोगी को अपने चरणों से छूकर जल देते, वह रोगी उसी पल स्वस्थ हो जाता। इस प्रकार आप जी की महिमा को सुनकर बहुत से रोगी अपना रोग ठीक करने के लिए आपके पास आने लगे। तब आप जी ने वहां एक कुंड बनवा दिया जिसमें अमृत समय उठकर अपने चरणों से उस जल को छूकर अमृत बना दिया और उसी कुंड से सभी रोगियों को सेवादार आठों पहर चरणामृत देते रहते, जिससे धीरे धीरे सभी रोगी स्वस्थ होकर गुरु जी की महिमा का गुणगान करने लगे और भेंटे अर्पण करने लगे। कहा जाता है इसी बात को सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अरदास में यह शब्द लिखे थे, श्री हर किशन त्याये जिस जिठे सब दुख जाए। गुरु हर किशन जी सभी धर्मों से आए रोगियों का उपचार किया करते। खास तौर से जो मुस्लिम जनता थी वह गुरु जी से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने अपने गुरु जी का नाम बाला पीर रख दिया। रोगियों की नित प्रतिदिन सेवा करते हुए गुरुजी एक दिन बहुत बीमार हो गए। उन्हें तेज बुखार हो गया जिससे माताजी को बहुत चिंता हुई। कहते हैं बुखार के दूसरे ही दिन गुरुजी को चेचक हो गई थी। जब एक दो दिन इलाज करने से आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तब आप जी राजा जयसिंह के महल को छोड़कर यमुना नदी के किनारे अपना तंबू लगाकर रहने लगे ताकि किसी तरह की परेशानी राजा जयसिंह को ना झेलनी पड़े। आपने यमुना नदी के किनारे दो दिन और दो रातें अत्यंत कष्ट झेला जिससे आप जी की सेहत ज्यादा नाजुक हो गई। उस समय आपकी माता जी ने बड़े दुखी मन से कहा, पुत्र तुम गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान हो, तुम ही तो संसार के सारे कष्टों व दुखों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं, तो फिर तुम बीमार क्यों पड़ गए? गुरु हरकृष्ण जी ने बड़ी सहजता और विनम्रता से जवाब दिया, हे माता, जिस निरंकार ने ये नश्वर शरीर दिया है उस शरीर को रोगों से ग्रसित तो होना ही पड़ता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अंग हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने भी यही संदेश दिया है कि ईश्वर जो भी करता है सब उसके हुक्म में ही होता है। इसलिए हम सबको एक निरंकार की आज्ञा में ही रहना चाहिए। इतना सुनकर माता जी और सारी गुरु संगत उदास हो गई। तब संगत ने गुरु जी से प्रार्थना करते हुए पूछा, हे महाराज, आप जी हमें किसके जिम्मे लगा कर जा रहे हो? इस गद्दी का वारिस कौन होगा? संगत की बाह किसे पकड़ा कर जाओगे? तब गुरु जी ने अपने मसंद भाई गुरबख्श जी से 5 पैसे और 1 नारियल मंगवाकर माथा टेकते हुए कहा, बाबा बसे जे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सकल समाले। गुरुजी के अंतिम वचनों को सुनकर सारी संगतों की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्हें समझते देर न लगी कि यह गुरुजी के आखिरी दर्शन दीदारे हैं।
इसके अलावा उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि सिखों के नौवें गुरु गांव बकाले में रहते हैं। कुछ ही पल में गुरुजी अपना शरीर त्याग कर सचखंड चले गए। जिस स्थान पर गुरुजी ने अंतिम सांसें ली वह स्थान दिल्ली में बाला साहिब गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगतें अपने गुरुजी के चरणों में नित शीश झुकाती हैं। इसके अलावा जहाँ गुरुजी राजा जयसिंह के महल में रुके थे वह स्थान आजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में स्थित है। श्री गुरु हरिकृष्ण जी अद्भुत शक्तियों के मालिक थे जिनके कारण वे सिखी को ऊंचाइयों तक ले गए, जिनके दर्शन मात्र से ही दुखियों के दुख दूर हो जाते। धन्य हैं गुरु हरिकृष्ण जी जो रहती दुनिया तक सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अपने सच्चे गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन ऊंचा और पवित्र बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।